भूपेदी पूरे। अरे मॉडल निकालो पटपट। एक्सेलरेशन के पहले के सब हो गए थे। चलो तो आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में जो प्रोसेस थी, सेम प्रोसेस यहां पर रिपीट होगी। बस डिफरेंस क्या होगा? वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सिस डिफरेंट होगी एंड वेलोसिटीज अलोंग वाई एक्सिस डिफरेंट होगी। मतलब हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी ए वेक्टर इक्वल्स टू वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर अपॉन टी। ये कब होगा? अगर आपको दो वेलोसिटीज गिवन है एंड हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जो एवरेज एक्सेलरेशन है। लेकिन एवरेज की जगह पे अगर हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे वहां पे? डीवी अपॉन डीटी, इससे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको बोला जाता है कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे कि टू टी आई कैप प्लस 40 स्क्वायर जे कैप, और आपको बोला गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम टी इक्वल्स टू 1 टू टी इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो क्या होगा? दो टाइम दिए, मतलब क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, मतलब उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? टी वन पुट करके वी वन कैलकुलेट करेंगे, टी टू पुट करके वी टू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो टी वन अगर पुट किया तो यहां पे वी वन इक्वल्स टू कितना मिलेगा? टू आई कैप प्लस 4 जे कैप। एंड वी टू इक्वल्स टू अगर टी को 3 पुट करेंगे तो कितना होगा? 6 आई कैप प्लस 36 जे कैप। क्लियर हो रहा है सबको? फक्त काय केलं आपण नहीं तो टी इक्वल्स टू 1 एंड यहां पे टी इक्वल्स टू 3 ऐसे पुट किए। फिर एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो क्या करना होता है? ए एवरेज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते टाइम सिर्फ आई कैप का कंपोनेंट एंड जे कैप का कंपोनेंट, तो क्या होगा? 6 माइनस 2 मतलब 36 माइनस 4, ये क्या बन गया? एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 32 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट में कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 32.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड अगर डायरेक्शन पूछिए तो थीटा इक्वल्स टू क्या करना है? ऑलवेज टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, मतलब 32 बाय 4 मतलब टैन इनवर्स ऑफ 8। एंड वही पे अगर पूछेंगे कि अभी क्या करना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस बोला है एट टी इक्वल्स टू 4th सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल्स टू 2t का डेरिवेटिव 2, 4t स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव इनटू जे कैप हो गया। अब टी इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फिर से 2i कैप प्लस 32 जे कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो फिर से क्या करना होगा? रूट में 2 का स्क्वायर 4, 32 का स्क्वायर 32 है 9, 4 3 इंटू 2 6, 6 का डबल 12, 4201 1024, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 32 ही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से डायरेक्शन चाहिए इंस्टेंटेनियस की तो क्या करना पड़ेगा? अगेन टेन इनवर्स ऑफ y by x मतलब 8 by नहीं 32 by 2 मतलब 16, ठीक है। म्हणजे जे वंडित केलं होतं तेच आहे, फक्त काय नवीन दिसतंय? IJK। आणि फायनली काय करणार IJK सोबत? इकडे काहीच नाही होणार, फक्त इकडे सबट्रॅक्शन करत असताना आय कॅप का कंपोनंट जे कॅप का कंपोनंट बस इतना ही चेंज आहे, डन। ओ नो, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना बाकी है। टी कितना है? 2 है, यानी ये कितना बनेगा? 2 आई कैप प्लस 16 जे कैप, यानी कितना बनेगा ये? 2 स्क्वायर 4, 16 स्क्वायर मतलब अप्रोक्सीमेटली 16.1 16.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एवरेज हो गया। यहाँ पे डिवाइड करना है क्या? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इंस्टेंटेनियस से एक ही टाइम है तो उसको पुट करना पड़ेगा बस। चलो राइट डाउन।
टी दिला होता क्वेश्चन मध्ये की इंस्टंटेनियस फाइंड करो ऍट 4th सेकंड. कळालं का प्रणिता? काही पण रेकॉर्ड करून पाठवते. चुकीचं वाटलं होतं सगळं, जो डाऊट होता तो क्लिअर होता. कल्याणी पण आली का आज एवढ्या थंडीची? चलो हो गया. म्हणजे बघा ऍडव्हान्टेज कसं भेटतंय, ज्यांचा वन डी एकदम हे नवीन काहीच वाटत नाही, चिल्लर एकदम, ज्यांचा वन डी थोडासा कन्फ्युजिंग होता, इकडे घोळ होता, हे बघितलं की मग हार्टबीटच वाढायचे काम आहे, बरोबर आहे. हेच नेक्स्ट टॉपिकमध्ये तुम्ही एक्सपिरियन्स करणार आहे. त्यामुळे जो टॉपिक करंट सुरू आहे तो एवढा परफेक्ट करा की त्या रिलेटेड कुठेही कन्सेप्ट आली नेक्स्ट 2 इयर्समध्ये तरी प्रॉब्लेम नसला पाहिजे. आणि याला ऑप्शन नाही जोपर्यंत हे, कारण प्रत्येक टॉपिकमध्ये येऊन जाऊन हेच येणार आहे परत, है ना. फिर थर्मल सेक्शन आ रहा है तो उसमें थोड़ी बात अलग है ना, ऑप्टिक्स के अलग है, बाकी उन दोनों को अगर छोड़ेंगे पूरा फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ईएमआई है, हर बार यही है 1D 2D वेक्टर. त्यामुळे याच्यावर एफर्ट्स घ्या. एंड इसमें एक एडिशनल केस होती है कि जिसमें क्या किया जाता है, हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिया जाता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर से हमें कैलकुलेट करने को बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी. परत एकदा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिया जाता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर से कैलकुलेट करने को बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, वेलोसिटी का देखेंगे बाद में. परत एकदा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिया जाता है एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर से कैलकुलेट करने को बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन. म्हणजे एक्सेलरेशनच दिले आणि एक्सेलरेशनच काढा म्हणतात. ठीक आहे, उस केस में हमें क्या करना है, देखो कि बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें दिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस थी dv/dt, आताच बघितले आपण. तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, v2 - v1/t रिक्वायर्ड होगा. इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, ये dt को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a इंस्टेंटेनियस इनटू dt. यानी कि अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, अगर कांस्टेंट है तो हम सीधा सीधा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन ये dv है, dv मतलब कौन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बट एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते टाइम हमें दो वेलोसिटीज रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम दोनों साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. अब इंटीग्रेट करते टाइम dv की लिमिट्स होगी v1 - v2, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. उसी तरह से इंस्टेंटेनियस होगा t1 - t2, मतलब कहां से कहां तक हमें एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. वैसे बोलेंगे क्वेश्चन में 1, 2, 3 में कैलकुलेट करो, 3, 2, 5 में कैलकुलेट करो, 5, 2, 7 में कैलकुलेट करो. तो यहां पे वो लिमिट्स आएगी, यहां पे v1 v2 होगा. यानी ये क्या बनेगा, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स कितनी इसकी v1 से लेके v2 तक, यहां पे ये a इंस्टा dt एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो कि ये v2 - v1 है तो बेसिकली लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 - v1 इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंस्टेंटेनियस इनटू dt. बट ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या, नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसलिए हम स्टार्ट से क्या करते हैं, फिर यहां पे dt से डिवाइड कर लेते हैं t1 - t2, मतलब यहां पे भी कौन आएगा, t1 - t2, मतलब ये t2 - t1 आएगा, यहां पे भी कौन आएगा, t2 - t1 आएगा. अब ये क्या बन गया, एवरेज एंड एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय t2 - t1. एक्सेलरेशन दिया है उसके ऊपर से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए यही प्रोसेस है. ठीक है, जैसे आपको बोला जाता है कि एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 2i cap + 3t j cap, और आपको बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो फ्रॉम t1 = 1 - t2 = 3 सेकंड. पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेलरेशन के फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो बोलो 2i का इंटीग्रेशन t, सिर्फ 2t डिवाइड बाय 1, नहीं लिख दे चलते, देन 3t का
वेरी गुड, 3t² / 2 × j कैप। अब इसकी लिमिट क्या होगी 1 से लेके 3 तक, और इसको डिवाइड करेंगे t2 - t1 मतलब, तो क्या बनेगा 3 × 2 6 - 2 म्हणजे 4 आई क्या, t² 9 × 3 27/2 वेरी गुड 16.5 माइनस 1.5 मतलब नहीं 16.5 ना हो नहीं नहीं 27/2 कितना होता 13.5 माइनस 1.5 मतलब 12 जे कैप डिवाइड बाय 2 मतलब फाइनल आंसर बनेगा 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। हे कळाल नाही तुम्हाला, मला माहिती आहे, त्यामुळे एकदा व्यवस्थित बघा, नाही कळाल तर मी परत एक्सप्लेन करतो। काय केलं मी, एक स्टेप स्किप केली, कुठली स्टेप, यहां पे अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये ऐसे बनता है 2 × 3 मतलब 6 आई कैप प्लस ये बनेगा 13.5 जे कैप, ये हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करेंगे मतलब टी को 1 बोलना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 2 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। आता बघा 6 - 2 देन 13.5 माइनस 3/2 मतलब 1.5 होता है, ठीक है 13.5 माइनस 1.5 तो ये बन गया 12 जे कैप, ठीक है। तो 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप डिवाइड बाय t2 - t1 मतलब 2 था, 2 से डिवाइड किया मतलब क्या होगा 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। फिर से मैग्नीट्यूड निकालना है तो 4 + 36 मतलब 6.4 एंड डायरेक्शन निकालनी है तो 6/2 मतलब tan इनवर्स ऑफ 3। चलो नाउ गो फॉर मॉड्यूल, मॉड्यूल में एक्सेलरेशन के बाद में जो क्वेश्चंस दिए हैं एकदम सिंपल है, जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए थे उससे भी ज्यादा सिंपल है।
कंट्रोलर बड़े जी जी जी
88 म्हणजे 8/8 है ना। क्या 88 में बोलो क्वेश्चन क्या है प्रणीता, क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू क्या इक्वेशन, y इक्वल्स टू p y इक्वल टू p इंटू x स्क्वेअर एवढंच आहे। x कंपोनंट q आहे म्हणजे x इक्वल्स टू q आहे और एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड q क्या है कांस्टेंट है। अगर ये q कांस्टेंट है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि vx इक्वल टू कारण कांस्टेंट dq बाई dt करेंगे तो क्या होगा यहां पे ax भी कितना आएगा फिर। अभी ये y इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या होगा dy बाई dt क्या आएगा dy बाई dt इक्वल्स टू ये p तो कांस्टेंट है तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ p इंटू x बट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी हे लक्षात ठेवायचं। तो यहां पे अगर टी स्क्वेअर होता आपला डेरिवेटिव संपला होता बट यहां पे दूसरा वेरिएबल आ रहा है समझ में आ रहा है ना। अगर टी टी है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है लेकिन टी एंड एक्स है मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी और यहां पे वेरिएबल कौन है एक्स तो आपल्याला काय आहे की या एक्स चा डेरिवेटिव माहित नसतो म्हणून आपण याला डी एक्स बाय डी टी एज इट इज ठेवत असतो कळलं का। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होता 2x संपलो बट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा 2x तो करना पड़ेगा लेकिन x का डेरिवेटिव कितना है मालूम नहीं है इसलिए हम उसको dx by dt ऐसे रखेंगे। एवढी एक एडिशनल केस इतना है ठीक है। इसका मतलब ये dx by dt आ गया dx by dt का मतलब कौन है vx। आता या vx ला इथून झिरो घेऊ शकत नाही आपण कळालं ना इथं फक्त या q वरून लिहिलं होतं याचं काही वर्क नाही येतं। हे vx किती आहे dx by dt आहे यहाँ पे वेरिएबल्स आहे टाइम आ रहा है मतलब ये नॉन झिरो हो सकता है यहां से हमने बस डिफरेंशिएट करके बोला था लेकिन अगर ये एवरेज निकालनी वेलोसिटी तो नॉन जीरो आ सकता है तो यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में कंक्लूजन नहीं आ रहा था यहाँ पे क्लियर हो गया कि वेलोसिटी वहां पे नॉन जीरो है। अभी क्या आ गया 2p into x vx कळलं की इतपर्यंत सगळ्यांना नहीं कळलं ठीक है। आपल्याला जर असं दिलं असतं वाय स्क्वेअर एंड इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं पहले डेरिवेटिव का रूल पावर से मल्टीप्लाई करते हैं पावर में से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हो गया लेकिन y भी वेरिएबल है एंड t भी वेरिएबल है असे दोन दोन वेरिएबल है म्हणून आपण काय करणार इसको dy / dt एज इट इज ठेवणार का बर हे माहितच नाही आपल्याला। अगर ये सेम वेरिएबल होता मतलब अगर y स्क्वेअर को dy से हम डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते तो 2y एवढंच आंसर असतो कळतंय का। आता आपल्याला दिलं आहे की x क्यूब है और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब दोनों वेरिएबल सेम या डिफरेंट है तो इस केस में क्या होगा x क्यूब का डेरिवेटिव बट ये dx by dy म्हणजे या x चा विथ रिस्पेक्ट टू y आपल्याला माहित नाही म्हणून आपण काय लिहणार इनटू dx by dy वही अरेंजमेंट है बस ये px स्क्वेअर था 2 से मल्टीप्लाई करके 2px हो गया इनटू कौन है dx by dt का कारण दोन्ही वेरिएबल डिफरेंट है कळालं हे एज इट इज लक्षात ठेवा दोन डिफरेंट असले की शेवटी त्याला dx by dt एज इट इज ठेवायचं। नेक्स्ट अभी यहां पे इनको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि dy by dt मतलब ये क्या मिला है हमें vy मिला है हमें कैलकुलेट क्या करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है मतलब और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन dv / dt मतलब फिर से विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ठीक है। डिफरेंशिएट करते टाइम ये 2p कांस्टेंट है अब ये x * vx दोनों भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है वेरिएबल कळतो का जो 1 2 3 सोडून असतो अल्फाबेट असतात ते वेरिएबल ठीक है। एंड vx का मतलब क्या है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है यहाँ पे dx by dt आ रहा है ना मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो दोनों भी वेरिएबल है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे uv का। आता बराच वेळा सांगितलं आहे जर डोक्यात बसत नसेल तर याला काही करू शकत नाही आपण ठीक है। uv का रूल याद है क्या घडले का नो क्या होता uv का रूल हे बघा u म्हणजे फर्स्ट फंक्शन v म्हणजे मतलब दो फंक्शन है दोनों भी वेरिएबल है दो फंक्शन है दोनों भी वेरिएबल ला घाबरू नका वेरिएबल म्हणजे जो बदलू शकतो जसं की एक्स ला आपण आता 1 म्हणतोय थोड्या वेळाने आपण त्याला 2 म्हणू शकतो बट 2 ला मी असं म्हणू शकतो लेट 2 इक्वल्स टू 7 कळलं ना मग 2 काय झाला कॉन्स्टंट झाला बट एक्स ला आपण काही पण म्हणू शकतो म्हणून एक्स काय वेरिएबल आहे। तसे दो वेरिएबल का मल्टिप्लिकेशन आहे और हमें क्या करना है उनका डेरिवेटिव लेना है म्हणजे डिफरेंशिएशन घ्यायचं आहे ठीक आहे। गुड मॉर्निंग कळतंय का मी काय बोलतोय ते दोन व्हेरिएबल्स आहेत त्यांचं मल्टिप्लिकेशन आहे आणि मल्टिप्लिकेशनचा आपल्याला डेरिवेटिव घ्यायचा आहे इन दॅट केस हमें क्या करना पड़ता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ, एवढं सोपं आहे. ठीक आहे, घोळ काय की हेच जर मॅथ्स मध्ये शिकवलं नॉर्मल वाटतं, हा यू वी 1 2 2 1 झालं. पण इकडं काय की आपल्या सवय लागली असते ना, का आलं, कधी आलं, कुठून आलं, त्यामुळे काय आणखीन कन्फ्युजन होतं. त्यामुळे जेवढ्या मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट येत आहेत त्या ॲज इट इज ॲज्युम करा, कळालं ना. त्या जास्त डीपमध्ये जाऊ नका, कारण त्याचे अन्सर्स एका लिमिट नंतर मलाही सांगता येत नाही. कारण मी सांगितलं की मॅथ्समध्ये काय 2 + 1 = 3 याचा प्रूफ नाही आपल्याकडे. आपण ठरवलंय की 2 + 1 = 3 म्हणायचं, म्हणून आपण म्हणतो. कळालं? यू वी क्या होगा फिर, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, कळत आहे? ठीक आहे, अगर यहाँ पे ऐसे बोला है कि सपोज एक डेरिवेटिव, सॉरी एक व्हेरिएबल है दैट इज टी स्क्वेयर एंड दूसरा है डी एक्स, और इनको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर इसको एक्स ले लो, दोनों भी वेरिएबल है और डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब डी एक्स बाय डी टी प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 2t. फक्त आता डिपेंड करता हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. मैंने एज्यूम किया कि अगर हम उसको डी टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये आएगा, करते हैं ना, सेम अभी यहाँ पे हम करने वाले. ठीक है, एक्स इंटू वी एक्स है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, ये एज इट इज रहेगा, सेकंड कौन है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा डी वी बाय डी टी प्लस सेकंड कौन है इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब डी एक्स बाय डी टी. इतपर्यंत क्लियर है? अभी देखो क्या है कि डी वी बाय डी टी मतलब दो, तो पहले ही बोला है हमने कि अगर एक्स ही कॉन्स्टेंट था, वेलोसिटी नहीं बोल सकते, यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म है तो वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन कंफर्म जीरो आ जाएगा, मतलब ए एक्स कितना है, जीरो है. अगर ए एक्स जीरो है तो क्या होगा, देखो ये 2p इंटू ब्रैकेट ऑफ एक्स इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी ला काय म्हटलोय अपन, वी एक्स म्हटलोय, मतलब ये क्या आएगा 2p इन ब्रैकेट, ये तो जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ रहा है वी एक्स का स्क्वायर, ये क्या है डी वाई बाय डी टी, मतलब कौन है वी वाई, सॉरी ये कौन है ए वाई, ये हो गया एक्सेलरेशन. ठीक है, व्यवस्थित बघून घ्या, कळते का स्टेप बाय स्टेप, कळालंच पाहिजे, नाही कळाल तर रट्टा मारायचं.
तो आज का टास्क था हमारा सॉल्व एग्जांपल कंसेप्ट एप्लीकेशन 6 से पहले जितने भी है वो कंप्लीट करने, ठीक है। अभी कंसेप्ट एप्लीकेशन 6 के बाद एंड 7 से पहले परत 5-7 एग्जांपल है वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले, ठीक है। फ्रॉम मंडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।